आई नो लास्ट दो वीडियोस थोड़ी ज्यादा डिस्टर्बिंग थी, और जैसे जैसे मैं इस टॉपिक में घुसता जा रहा हूँ, जो पूरी स्टोरी है पीटर स्कली के अराउंड, हर्ट कोर के अराउंड, स्नफ मूवीज के अराउंड, इट्स वेरी डिस्टर्बिंग, और मैं जेन्युइनली और वीडियोस नहीं बनाना चाहता इस पे। लेकिन ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, बिकॉज आई वॉज रॉन्ग। मैंने कुछ चीजें गलत बताई और मैंने कुछ चीजें नहीं बताई। तुम्हें से काफी सारे लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। लास्ट दो वीडियोस देखोगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा। जो अभी ये एक तरीके से सीरीज चली है हर्ट कोर के अराउंड, पीटर स्कली के अराउंड, पूरा जो स्नफ मूवीज का कल्चर है उसके अराउंड जो मैंने लास्ट दो वीडियोस डाली थी, और ये वाली जो मैं डाल रहा हूँ ये एक सीरीज के तरह है। और मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बोला था कि पीटर स्कली जब अरेस्ट हो गया था तो उसके बाद भी वो पैसे कमा रहा था अपनी उन्हीं मूवीज से जो वो पहले ही इंटरनेट पे डाल चुका था, उन्हीं स्नफ मूवीज से जो वो पहले बना चुका था, क्योंकि लोग तब भी उन मूवीज को खरीद रहे थे। और यहीं पे मैं गलत था। हाँ, ये एक सोर्स था जिससे पीटर स्कली पैसे कमा रहा था, लेकिन कुछ और रीजंस भी थे जिससे पीटर स्कली को अपनी स्नफ मूवी की कलेक्शन से और अपनी वेबसाइट से, अपने बिजनेस से, नो लिमिट्स फंड से पैसे आ रहे थे। और वो रीजंस उतने ही डार्क हैं जितनी पीटर स्कली की स्नफ मूवीज थी। अगर तुमने पिछली दो वीडियोस देखे तो तुम स्टोरी को फॉलो कर पा रहे होगे। इस स्टोरी के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम था, लिजेल मार्गोलो। ये नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पीटर स्कली से जुड़ा हुआ था। मैंने पहले भी बताया था कि लिजेल मार्गोलो को बाद में छोड़ दिया गया था, उसको अरेस्ट नहीं करा गया था ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस। और इसके बाद लिजेल 2 साल के लिए गायब थी, और गायब से मेरा मतलब है कि वो 2 साल के लिए पूरी तरीके से छुपी हुई थी पुलिस से, बाकी सारी अथॉरिटीज से, और वो इस पूरे टाइम एक अलग नाम यूज कर रही थी जो था शैनन कार्पियो। शैनन कार्पियो, जिसने एक फ्रेंच सॉफ्टवेयर मिलियनेयर से शादी कर ली थी। और थोड़ा वियर्ड और स्ट्रेंज बात पता है क्या है, जब वो पुलिस से भाग गई थी, इन 2 सालों के अंदर उसने अपना नाम बदल लिया था, शैनन कार्पियो कर लिया था, और इस टाइम वो एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर बन गई थी। वो प्रॉपरली कॉन्टेंट डालती थी फिटनेस के अराउंड, उसका एक फेसबुक पे पेज था जो अभी भी एग्जिस्ट करता है। और इसके साथ साथ बीइंग एन इन्फ्लुएंसर वो बड़े बड़े जिम्स के साथ और बड़ी बड़ी ब्रांड्स के साथ काम भी करती थी, क्योंकि उन जिम्स और उन ब्रांड्स को कोई आइडिया नहीं था कि शैनन कार्पियो का पास्ट क्या है। और अगर तुम लिजेल मार्गोलो या फिर हम कह सकते हैं शैनन कार्पियो का कॉन्टेंट देखोगे ना उस टाइम का, तो तुम्हें कहीं पे भी रिमोर्स नहीं दिखेगा, कहीं पे भी तुम्हें ऐसा फील नहीं होगा कि इस इंसान को, इस लड़की को कोई भी गिल्ट है। जितनी भी इसने स्नफ मूवीज बनाई थी, जितनी भी डिस्टर्बिंग काम करे थे इस लड़की को कोई गिल्ट नहीं था, और वो उसके कंटेंट से दिख रहा था। उसने एक्चुअली में एक फ्रेंच मिलियनेयर से शादी करी थी जिसकी आइडेंटिटी टिल डेट किसी को नहीं पता। इवन आफ्टर मैरिज वो काफी सारे और लोगों को डेट करती थी ओपनली, व्हिच इज वियर्ड, लेकिन उसके पास्ट जितना वियर्ड नहीं। वो बहुत सारे लोगों को डेट करती थी, काफी वियर्डली शी वाज वेरी ओपन अबाउट डेटिंग पीटर स्कली इन द पास्ट। वो लोगों को बता देती थी कि हाँ, मैंने डेट करा है पीटर स्कली को। वो समवॉट प्राउड फील करती थी इस फैक्ट को लेके। फिर डेट आई January 24, 2017, जिस दिन लिजेल मार्गोलो या फिर हम कह सकते हैं शैनन कार्पियो को अरेस्ट कर लिया गया विद प्रॉपर वारंट्स। वो 2 साल से भागी हुई थी, 2 साल से छुपी हुई थी, लेकिन सवाल ये है कि इस पूरे 2 साल में क्या वो खाली एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर थी? क्या वो खाली कंटेंट बना रही थी? क्या वो खाली सोशल मीडिया पे काम कर रही थी? ऐसा नहीं है। इन 2 सालों में वो अभी भी स्नफ मूवीज बना रही थी फॉर नो लिमिट्स फन। पीटर स्कली के अरेस्ट के बाद भी लिजेल मार्गोलो लगी हुई थी और स्नफ मूवीज बनाने में। और इन 2 सालों में लिजेल मार्गोलो के 8 विक्टिम्स थे जिनकी एज थी फ्रॉम 1 ईयर टू 13 ईयर्स। और सबसे फक्ड अप बात यह है कि उन सारे विक्टिम्स की वीडियोस इंटरनेट पे रिलीज हुई थी, एंड वो टिल डेट इंटरनेट पे। कोई इंसान कितना ज्यादा बुरा हो सकता है? कोई इंसान कितना ज्यादा खराब हो सकता है? एंड दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजंस कि पीटर स्कली जेल में बैठे बैठे भी पैसे कमा रहा था, क्योंकि नो लिमिट्स फन का मेन ओनर वॉज पीटर स्कली। लिजेल मार्गोलो उसके प्लेटफॉर्म को यूज कर रही थी और स्नफ मूवीज बना रही थी खुद पैसे कमाने के लिए, लेकिन उसके साथ साथ पीटर स्कली भी पैसे कमा रहा था। और ऐसा नहीं है कि लिजेल मार्गोलो खाली अकेले बैठ के स्नफ मूवीज बना रही थी, कमाल की बात यह है कि पीटर स्कली भी इन सारी मूवीज में इन्वॉल्व था। लेकिन पीटर स्कली तो जेल में था, तो फिर वो इन्वॉल्व कैसे हो सकता है? पीटर स्कली लिजेल मार्गोलो से कंटिन्यूसली कॉन्स्टेंटली बात करता रहता था थ्रू फेसबुक, थ्रू स्काइप, थ्रू व्हाट्सएप। अब ये नहीं पता कि वो जेल में ये सारी चीजें कैसे ऑपरेट कर पा रहा था। अब बात करते हैं नो लिमिट्स फंड की। ये जो बिजनेस था, पहले मैंने तुम्हें बताया था कि इसमें 2-3 लोग इन्वॉल्व थे, और 2 लोग प्राइमरी थे, लिजेल मार्गोलो और पीटर स्कली। और मैं यहाँ पे भी गलत था। इस पूरे बिजनेस में पीटर स्कली और लिजेल के साथ साथ 8 और लोग इन्वॉल्व थे, 8 टोटल 10 लोग थे इस बिजनेस में।
नंबर वन वॉज मारिया डोर्थिया। मारिया हेल्प करती थी पीटर स्कली की इन साइबर सेक्स एक्टिविटीज, सेक्सुअल वीडियो कॉल्स हो गई विद किड्स, उनका अब्यूज दिखाना ऑन अ लाइव स्ट्रीम, इन सारी चीजों में मारिया बहुत ज्यादा मदद करती थी पीटर स्कली की। बाद में जाके मारिया को अरेस्ट कर लिया गया था और उसको 9 साल की जेल हुई थी। नंबर टू अलेक्जेंडर लाओ। काफी ज्यादा चांसेस है कि अलेक्जेंडर मारिया का ही बॉयफ्रेंड था। अलेक्जेंडर वॉज अ कैब ड्राइवर और अलेक्जेंडर खाली अपने पैसेंजर्स को ड्राइव अराउंड नहीं करता था, वो पीटर स्कली के सारे विक्टिम्स, सारे बच्चों को ट्रांसपोर्ट करता था फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। शूट के हिसाब से वो सारे विक्टिम्स को और बच्चों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता था। बाद में जाके उसे भी अरेस्ट कर लिया गया और उसको भी 9 साल की जेल हुई। नंबर थ्री इज क्रिश्चियन जोहान। क्रिश्चियन जोहान वॉज वेरी फक्ड अप क्योंकि उसने एक छोटे बच्चे को सेल करा था पीटर स्कली को फॉर $1,800। $1,800 में उसने एक छोटे बच्चे को सेल कर दिया था पीटर स्कली को, जिससे पीटर स्कली उस बच्चे को यूज कर सके फॉर हिज ओन कॉन्टेंट। एंड फक्ड अप बात यह है कि क्रिश्चियन को कभी नहीं पकड़ा गया, ही वॉज नेवर अरेस्टेड। नंबर फोर इज हैनियल ओलिवेरा। हैनियल वॉज अ ब्राजीलियन डॉक्टर जो पीटर स्कली को ये बताता था कि छोटे बच्चों को कौन से ड्रग्स देने हैं जिसके बाद वो उन्हें अब्यूज कर सके, और ड्रग्स देने के साथ साथ वो एक प्रोड्यूसर भी था ऑफ नो लिमिट्स फंड। वो पीटर स्कली को पैसे भेजता था जिससे वो अपनी वीडियोस प्रोड्यूस कर सके। जब हैनियल अरेस्ट हुआ तो ही वॉज 29 ईयर्स ओल्ड और जब वो अरेस्ट हुआ था तो उसके पास 37,000 पिक्चर्स मिली थी छोटे बच्चों की और 700 वीडियोस। इट्स क्रेजी कि लोग कितने ज्यादा सिक है। हैनियल मिला था पीटर स्कली से मेडिकल स्कूल में जब वो प्रॉपर डॉक्टर भी नहीं बना था, और उस टाइम से ही वो पीटर स्कली के साथ काम कर रहा था। उसने खाली पीटर स्कली को ही नहीं, उसने पूरे नो लिमिट्स फंड क्रू को, जितने लोग थे नो लिमिट्स फंड में, उन सबको सिखाया था कि कैसे ड्रग्स यूज करने छोटे बच्चों को। हैनियल जब अरेस्ट हुआ था तो उसके एक हार्ड ड्राइव मिली थी जिसके अंदर वही 37,000 पिक्चर्स और 700 वीडियोस मिली थी, एंड दैट वाज अ वेरी बिग एविडेंस एंड रीजन फॉर पीटर स्कलीज अरेस्ट। नंबर फाइव इज मार्शल रस्किन। मार्शल कनेडियन था और वो फिलीपींस बहुत ज्यादा ट्रैवल करता था, वो बहुत बार फिलीपींस जाता था। मार्शल ने लिजेल को काफी बार बहुत बड़े बड़े अमाउंट्स में पैसे भेजे थे क्योंकि उसको स्पेशलाइज्ड वीडियोस चाहिए थी, उसको एक अलग टाइप का अब्यूज चाहिए था जो वो बताता था लिजेल को कि मेरे को ये देखना है, ये करो, ऐसे अब्यूज करो, और लिजेल ये कर भी देती थी क्योंकि मार्शल बहुत ज्यादा अमाउंट में पे करता था लिजेल को। मार्शल को कंप्यूटर्स की और डार्क वेब की, डीप वेब की बहुत ज्यादा नॉलेज थी और उसको काफी अच्छे से पता था कि एविडेंस और ट्रेसेस कैसे मिटाने। नो लिमिट्स फंड के ग्रो करने के पीछे बहुत बड़ा रीजन मार्शल ही था। 2019 में पुलिस ने मार्शल को अरेस्ट करने की कोशिश करी और मार्शल के पास से बहुत सारी हार्ड ड्राइव्स मिली थी, लेकिन पुलिस कभी भी उनको ओपन नहीं कर पाई। अब पुलिस मार्शल तक कैसे पहुंची? पुलिस के पास कुछ इन्फॉर्मेंट्स थे जिन्होंने कन्फेशंस दिए, जिन्होंने डिटेल्स दी मार्शल के बारे में, जिसके बाद पुलिस मार्शल को पकड़ने गई। तुम्हें पता है उन इन्फॉर्मेंट्स ने क्या बताया? पहले इन्फॉर्मेंट ने यह बताया कि मार्शल ने उस इन्फॉर्मेंट को $1,000 दिए थे जस्ट टू सी हिज डॉटर अनड्रेस। जो इन्फॉर्मेंट था उसी की बेटी को देखना था उसे अनड्रेस करते हुए, और उसके लिए उसने $1,000 दिए थे। जो दूसरी इन्फॉर्मेंट थी, दूसरी शी वॉज अ लेडी, उसको मार्शल ने $2,000 दिए थे जिससे उस लेडी की जो बेटी है वो मार्शल को ओरल सेक्स दे सके फॉर $2,000। लोग फक्ड अप है यार, मतलब बेसिकली अपने ही बच्चों को। तीसरे इन्फॉर्मेंट ने ये बताया कि एक बार मार्शल ने कुछ $100 दिए थे टू गो आउट ऑन अ डेट विद अ 14-year-old, 14 साल की लड़की के साथ उसे डेट पे जाना था, जिसके लिए उसने $100 दिए थे। और भी काफी सारे इन्फॉर्मेंट्स थे जो मार्शल के स्लेव्स थे, सेक्स स्लेव्स थे, और उन्होंने ये बताया कि मार्शल उन्हें बताता था कि उसके पास दो अपार्टमेंट्स हैं, जिसमें से एक में वो अपनी वाइफ के साथ रहता है और दूसरी में वो अपने सेक्स स्लेव्स रखता है। नाउ कम्स द मोस्ट फक्ड अप पार्ट, सबसे डार्क पार्ट। मार्शल के बारे में एक इन्फॉर्मेशन बाहर आई थी कि मार्शल की एक फैंटेसी है कि वो एक घर में ब्रेक इन करता है, दरवाजा तोड़ के अंदर घुसता है और अंदर एक छोटी लड़की है और वो छोटी लड़की के साथ जबरदस्ती करता है और वो चाहता है कि वो लड़की उससे लड़े और उसके बाद वो सेक्सुअली इन्वॉल्व हो उस लड़की के साथ। ये मार्शल की फैंटेसी थी। मार्शल को बाद में पुलिस ने
छोड़ दिया ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस, क्योंकि उसकी वो हार्ड ड्राइव्स जो पकड़ी थी पुलिस ने वो कभी ओपन ही नहीं हुई, और बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए फिलीपींस की जो पुलिस है उनका इन्वॉल्वमेंट चाहिए था, लेकिन उनका इन्वॉल्वमेंट ऑलमोस्ट जीरो था मार्शल के अरेस्ट के अराउंड। मेरे को समझ नहीं आ रहा ये कैसा इल्यूमिनाटी स्टफ है, आई डोंट गेट इट। मतलब एक इंसान अरेस्ट हुआ है और अरेस्ट होने के बाद जिस एरिया में वो अरेस्ट हुआ है उसकी पुलिस हेल्प ही नहीं कर रही है, कुछ सीरियस कनेक्शंस वाली चीज है यार, लाइक आई डोंट गेट इट, दिस इज वेरी इल्यूमिनाटी। राइट नाउ मार्शल इज अ फ्री सिटीजन इन कैनेडा, ही इज फ्री, इतना सब कुछ करने के बाद वो फ्रीली घूम पा रहा है और वो कैनेडा में ही रहता है अपनी 30-year-old फिलिपिनो वाइफ के साथ। ही इज 60 राइट नाउ और वो अपनी 30-year-old 30 साल छोटी वाइफ के साथ रहता है वहां पे, और वो अभी भी अपने घर से काम करता है फॉर मल्टीपल क्लाइंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। काफी सारे लोग ऐसे हैं जो उसके साथ काम कर रहे हैं और उन्हें पता भी नहीं है कि मार्शल की हिस्ट्री क्या है। दिस इज सो वियर्ड। ये तो मैंने 5 नाम लिए जो पीटर स्कली और उसके बिजनेस के साथ नो लिमिट्स फंड के साथ इन्वॉल्व थे। 3 और नाम थे और ये जो 3 नाम है ये तीनों नाम है केस फाइल्स में, लेकिन इनके बारे में ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन है नहीं। किसी को नहीं पता कि इन 3 नामों का क्या रोल था, एंड इट्स वेरी पॉसिबल कि इन 3 का काम और ज्यादा डार्क करो पिछले 5 लोगों से। 2018 में पीटर स्कली और लिजल मार्गोलो को अरेस्ट करा गया था फॉर द फर्स्ट टाइम, लेकिन उसके बाद फाइनली नवंबर 2022 में पीटर स्कली और लिजल मार्गोलो को 120 ईयर्स इन प्रिजन की सजा दी गई थी। 120 ईयर्स। पीटर स्कली के अरेस्ट के बाद पूरा पुलिस डिपार्टमेंट, हर एक इंसान उससे इतनी नफरत करता था कि सबने एक पिटिशन शुरू करा था कि पीटर स्कली को डेथ पेनल्टी मिले और उसको फायरिंग स्क्वाड को यूज करके एलिमिनेट करा जाए, बेसिकली एक फायरिंग स्क्वाड रखा जाए उसके सामने और उसको सामने से गोली मार दी जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये नहीं हुआ। अब हम आ जाते हैं हर्ट कोर पे। मेरे को एक और डिटेल पता चली जिसने तो मेरा सर ही घुमा दिया था। हर्ट कोर खाली बच्चों पे या लोगों पे नहीं होता, हर्ट कोर के अंदर एनिमल्स का भी यूज होता है, एनिमल्स को भी अब्यूज करा जाता है, जिसकी एक अलग डिमांड है डार्क वेब पे। हर्ट टू द कोर तो मैं वेबसाइट याद ही होगी जहाँ से ये सब कुछ शुरू हुआ था। हर्ट टू द कोर का जो क्रिएटर था उसका नाम था लक्स। और मेरे को एक और डिटेल पता चली जो प्रूफ करती है कि इन सारे लोगों को जिनको ये हर्ट कोर वाली वीडियोस पसंद आती है, जो इनके डिमांड करते हैं, उनको एक दूसरे से कम्युनिकेट करना भी बहुत अच्छा लगता है। दे लाइक टू डिस्कस दीज स्नफ मूवीज, दे लाइक टू डिस्कस दीज वीडियोज। इसी वजह से हर्ट टू द कोर जो वेबसाइट थी उस पर एक चैट रूम भी था जहाँ पे ये सारे लोग बैठ के वीडियोज डिस्कस करते थे, वीडियोज रेकमेंड करते थे, मूवीज बताते थे कि ये मूवी ज़्यादा डिस्टर्बिंग है, इसमें ज़्यादा प्लेजर मिला है उन लोगों को, और वो एक दूसरे को ये वीडियोस मूवीज रेकमेंड करते थे। जब हर्ट टू द कोर के बारे में पुलिस को पता चला था तो उस टाइम पे पुलिस वॉज वेरी श्योर कि इसका जो क्रिएटर है लक्स वो मेलबर्न के आसपास ही रहता है। पुलिस डिपार्टमेंट की नजर भी थी एक घर पे जिस घर के अंदर एक कपल रहता था और उनका एक बेटा और उनकी एक बेटी रहती थी। पुलिस की काफ़ी टाइम से नज़र थी इस घर पे क्योंकि उन्हें लगता था कि जो क्रिएटर है हर्ट टू द कोर का लक्स वो इसी घर में रहता है। हर्ट टू द कोर वाले पूरे केस पे जो मेन इन्वेस्टिगेटर थी उसका नाम था क्रिस्टीन स्टैफोर्ड, और क्रिस्टीन को बहुत स्ट्रांग फीलिंग थी कि जो इंसान हर्ट टू द कोर को रन कर रहा है वो ये वीडियोस खुद नहीं बना रहा है, वो बस एक डिस्ट्रीब्यूटर है, एंड शी वॉज राइट। शक और ज्यादा बढ़ने के बाद पुलिस ने उस घर के अंदर एंटर करा, एक दिन छापामारी करी और उन्हें पता चला कि उस घर के अंदर जो यंग बेटा था मैथ्यू ग्राहम वो ही लक्स था। We knew who the user was, we just had to make the connection to that Lux was Matthew Graham. Matthew Graham एक नैनोटेक स्टूडेंट था पास की एक यूनिवर्सिटी में, और वो काफी अच्छा स्टूडेंट था, काफी ज्यादा अच्छा, लेकिन वो कॉलेज ज्यादा जाता नहीं था क्योंकि वो घर बैठे बैठे अपनी उस एक ही स्क्रीन पे पूरा दिन लगा रहता था क्योंकि वो एक प्रॉपर हर्ट कोर एम्पायर बना रहा था। मैथ्यू की प्रोफाइल बहुत ज्यादा क्लीन थी, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था, कोई प्रॉब्लम्स नहीं थी, उसने कभी कोई लॉज ब्रेक नहीं करे थे, लेकिन किसी को भी आइडिया नहीं था कि पीछे से मैथ्यू ग्राहम जो लक्स था वो एक प्रॉपर स्नफ एम्पायर बना रहा था। लक्स को एंजाइटी और डिप्रेशन भी था और वो लोगों से ज्यादा बात भी नहीं करता था। लक्स को पता था कि कहीं ना कहीं अगर आगे जाके वो पकड़ा जाता है तो उसके सारे सिस्टम्स, उसके सारे सेलफोन्स क्लीन होने चाहिए, तो उसने पहले से ही अपने सारे सिस्टम्स और फोन्स को क्लीन करके रखा हुआ था कि उसमें कोई भी एविडेंस ना बचा रहे। जब वो पकड़ा गया तो उसके सारी हार्ड ड्राइव्स और सारे फोन्स
ले लिए गए। मैथ्यू ग्राहम या फिर हम कह सकते हैं लक्स, he was very sure कि वो नहीं पकड़ा जाएगा क्योंकि उसने सारे एविडेंस मिटा दिए। लेकिन उसके फोन में 3 पिक्चर्स ऐसी थी जिसने इस पूरे स्नफ एम्पायर को खत्म कर दिया था। उन 3 पिक्चर्स में से 2 पिक्चर्स थी ऑफ डेड चिल्ड्रन और 1 पिक्चर थी जिसके अंदर एक आदमी एक छोटे से बेबी के ऊपर खड़ा था। ये 3 पिक्चर्स ने कंफर्म कर दिया था कि मैथ्यू ग्राहम ही लक्स है और उसी ने ये वेबसाइट बनाई है हर्ट टू द कोर। पुलिस को समझ आ गया था उसी पॉइंट पे कि वो एक बहुत ही सिक माइंडेड इंसान से बात कर रहे हैं। इसके बाद एक और प्रूफ निकल के आया था कि मैथ्यू ग्राहम ही लक्स है और वो प्रूफ ये था कि एक बार गलती से मैथ्यू ग्राहम ने 4chan पे जाके एक इंसान को बोला था कि वो ही लक्स है। उसके इस एक कमेंट ने, उसके इस एक मैसेज ने उसको पूरे तरीके से पकड़वा दिया था। लेकिन सवाल ये कि मैथ्यू ये सब क्यों कर रहा था, उसने ये वेबसाइट क्यों बनाई थी। उसने वेबसाइट इसलिए बनाई थी क्योंकि वो फेस बनना चाहता था और फ्री स्पीच, वो ये चाहता था कि उसको देख के लोग समझें कि फ्री स्पीच क्या होती है और वो एक मसीहा बनना चाहता था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में और प्रॉपर इंटेरोगेशन के बाद लक्स ने कंफर्म करा कि उसने कुछ 13 क्राइम्स करे हैं हर्ट टू द कोर के अलावा, और इन क्राइम्स में से एक था कि उसने एक रशियन आदमी को ये सिखाया था कि वो एक 3 साल की छोटी बच्ची को कैसे किडनैप करे, कैसे रेप करे और कैसे जान से मार दे। और एक और क्राइम ये था कि उसने एक ब्रिटिश आदमी को ये सिखाया था कि वो एक लड़की को कैसे अब्यूज़ कर सकता है, वो लड़की जिसके बारे में ब्रिटिश आदमी बहुत ज़्यादा केयर करता था और वो लड़की डिसेबल्ड थी। मैथ्यू ग्राहम ने उस ब्रिटिश आदमी को ये सिखाया था कि उसको प्रॉपरली रेप कैसे करना है और उसको अब्यूज़ कैसे करना है। आई कांट बिलीव लोग ये सिखा रहे हैं, सीख लाइक लेकिन वो क्यों सिखा रहा था इनको ये? वो इसलिए सिखा रहा था क्योंकि सिखाने के बाद वो उनको बोलता था कि प्लीज़ प्लीज़ जब तुम ये करो तो प्लीज़ इसकी वीडियो बना लेना जिससे मैं उसे हर्ट टू द कोर पे डाल सकूं। ओके, अब इस वीडियो का सबसे डार्केस्ट पार्ट है, तुम चाहो तो स्किप कर सकते हो, क्योंकि मैंने जब ये चीज़ देखी थी और मैंने जब ये चीज़ सुनी थी तो मैं सुन्न हो गया था। मैं बता नहीं सकता मेरे को कैसा फील हुआ। बेसिकली मैं तुम्हें एक वीडियो क्लिप दिखाने वाला हूँ जिसके अंदर ऐसा ही एक इंसान है जिसको छोटे बच्चों को अब्यूज़ करने में मज़ा आता था, प्लेजर फील होता था और वो अपने एक्शंस डिस्क्राइब कर रहा है। तुम स्किप कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। After about 2 years of molesting my son and all the pornography that I had been buying, renting, swapping, where I was putting a large Ziploc bag over his head and taping it around his neck with black duct tape or black electrical tape and raping and molesting him at that point, to the point that he would turn blue, pass out. When I seen him pass out and change colors, that was very arousing and heightening to me, and I would rip the bag off his head and then I'd jump up on his chest and I'd masturbate in his face and make him suck my penis while he was, you know, as he started to come back awake, while he was coughing and choking, I would rape him in the mouth. I believe it would have been maybe as short as another month or two, and I would have actually killed him if I was not arrested. I'm done with dark web. I'm done with this topic. क्योंकि मैं खुद बहुत disturb हो चुका हूँ इस topic के ऊपर research करके videos बना के. I'm done. And I think for a long time, मैं शायद डार्क वेब पे कुछ वीडियोस ना बनाऊँ इस चैनल, बिकॉज आई एम डन, मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका हूँ। और मैं अब डार्क वेब पे तभी वीडियो बनाऊँगा जब मेरे को कुछ बहुत ही डिस्टर्बिंग या कुछ बहुत ही अलग इन्फॉर्मेशन मिलेगी। एंड आई एम प्रिटी श्योर नेक्स्ट डार्क वेब वीडियोज और ज़्यादा डिस्टर्बिंग होंगी। ओके गाइस, तो ये टॉपिक हम यहीं ख़त्म करते हैं, पूरा पीटर स्कली का स्नफ वीडियोस के अराउंड ये टॉपिक यहीं ख़त्म हो जाता है। आई थिंक मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। वैसे इस पूरे टॉपिक के अराउंड बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है पूरे इंटरनेट पर, बहुत अलग अलग तरीके की इन्फॉर्मेशन, बट मैंने तुम्हें बेसिक्स बता दिए इस स्टोरी के। और मेरा पूरा पॉइंट क्या था ये स्टोरी सुनाने का, वो इसलिए था कि लोग कहते हैं कि डार्क वेब इतना ख़तरनाक नहीं है और डार्क वेब पे ऐसा कुछ नहीं होता। दिस इज़ अ रियल स्टोरी, ये न्यूज़ पे, तो तुम समझ सकते हो कि डार्क वेब पे क्या क्या होता है। मैंने जस्ट अभी तुम्हें बता दिया है, मैंने तुम्हें एक ट्रू स्टोरी बता दी है कि डार्क वेब पे ये सब होता है।
और ये तो स्टोरी भी थोड़ी पुरानी है, तो अभी के टाइम पे क्या क्या हो रहा होगा, वी डोंट नो। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में। बाय बाय।